हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास फिटनेस गाइड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों कि मैं आज लाइव आने वाला हूं, और मैं लाइव आ चुका हूं। और दोस्तों, मैं बता दूं, इस वक्त जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 10:40। तो सॉरी सॉरी दोस्तों, जिन दो मैंने बोला था कि 10:15 पे आने वाला था, पर दोस्तों यार, मेरा बेटा भी एक छोटा सा जो मुझे बहुत परेशान करता है, उसके साथ भी मुझे थोड़ा सा खेलना होता है। दोस्तों सॉरी टू से फॉर डेट, टाइम में थोड़ा सा इशू हो गया दोस्तों। तो अभी मैं लाइव आया हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। मैं देखता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा हार्डली मैं आधे घंटे ज्यादा आपके लिए लाइव नहीं आ पाऊंगा। मैं पहले ही मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, जितने भी आप क्वेश्चन है, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के बारे में। अगर आप इंडिया से घर बैठे हुए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस के अंदर कोर्स करना चाहते हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज होंगी, तो वो सब मैंने कुछ डेटा आपके लिए इकट्ठा भी किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में। दोस्तों, जो जो लोग मुझसे अभी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो मुझसे अभी क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं लाइव हूँ, तो आप जो मुझसे पूछना है, अभी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और दोस्तों, और जिन लोगों को मैंने वादा किया था कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे, उनको मैंने कहा था कि मैं उनको जल्दी जॉब्स के बारे में बताऊंगा, दुबई के अंदर और सिंगापुर में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, जो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उसके लिए प्लीज मुझे अपना ईमेल आईडी मुझे अपना मेंशन कर दें, मुझे ईमेल अपना भेज दें कि सर प्लीज मतलब जब भी मुझे जॉब मिल आपको आती है, तो मैं आपको ईमेल पे सेंड कर दूंगा जॉब का डिस्क्रिप्शन, और वहां से लिंक भी सेंड कर दूंगा ताकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, और मैं अपने आपके लिए और जो भी और जो जॉब की जितनी भी वैकेंसीज है, वो मैं संडे को आप लोगों को, जितने भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको मैं संडे को वैकेंसीज जॉब की उनको ईमेल कर दूंगा, जिन जिनके मेरे पास ईमेल आईडीज हैं। जिनके नहीं है, सॉरी दोस्तों, उनके मैं नहीं कर सकता। पर और तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, पहले जो स्टार्टिंग करने वाला हूँ, जो कि मेरा सब्सक्राइबर्स का नाम है साहिल रेजा, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर डेक्कन यूनिवर्सिटी बताइए। देखो, सबसे जो बेस्ट और यूनिवर्सिटी है, जो कि इंटरनेशनली बाहर अगर पढ़ने जाना चाहते हो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है पता क्या है, क्योंकि मैंने सारा डेटा आज मोबाइल में इकट्ठा किया हुआ, मोबाइल मेरे पास है, तो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों यार, डेटा तो इकट्ठा करना पड़ेगा, तो मैं आपको कोच बताता हूँ। देखो दोस्तों, डेक्कन यूनिवर्सिटी है, बहुत ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है ये, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसमें स्पोर्ट्स साइंस रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, जिनको आप कर सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए। आई मीन डिजिटल लर्निंग से नहीं कर सकते ये जो कोर्स है मैं, पर वैसे फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। इसका जो ऑफिस है, मैं बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर है, Unit 203 Square 1 2nd Floor, Plot Number C2, साकेत प्लेस, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, न्यू दिल्ली। दोस्तों, इंडिया में इनका ऑफिस है, तो वहां जाके आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए। और इवन अगर आपने कोई स्पोर्ट्स साइंस डिग्री अगर कोर्स किया हुआ है, तो आपको CUB और कैडेट्स भी मिलते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपको 1 या 2 साल की डिग्री लेनी पड़े पढ़ने के लिए। और अगर आपने 1 साल यहाँ से बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस या कोई कोर्स किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, तो ये कुछ यूनिवर्सिटी को सपोर्ट भी करते हो। ज्यादा जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है, आपको वहां जाके मिलेगी। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, डेक्कन यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए, इनके जो कोर्सेज में है, डायटिक्स में लोग करवाते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंसेस में इनका कोर्सेज है, हेल्थ साइंस में है, हेल्थ प्रमोशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन में है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी इनका कोर्सेज है, और क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी है। एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस, दिस इज माई फेवरेट, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस, क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स कोचिंग, ये सबका फेवरेट कोर्स है, डिग्री है जिसमें आप सबको, हर कोई बंदा एटलीस्ट 3 सारी डिग्री में लेना चाहता है अपना, अगर आपको फिटनेस में रियल कैरियर आपका आपको बनाना है, अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो और इसके अलावा दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी इन हेल्थ है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट डेवलपमेंट के कोर्सेज भी ये लोग करवाते हैं। तो दोस्तों, अब आगे मैं बता देता हूँ बाकी जो फीस स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको एड्रेस बताया, ये यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में, इनका ऑफिस है दिल्ली के अंदर, तो वहां जाके आपको पता लग सकता है कि वहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और कैसे कैसे आप इसमें अपना मतलब कैसे कैसे क्या क्या फीस है। जैसे ऑयल स्कोर मिनिमम मैं बता दूं, 6.5 या 6 मिनिमम चाहिए होता है किसी भी अगर यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने बताया आपको डेक्कन यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में, और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पेशली, जहाँ पे आप इंडिया में घर बैठे आप उनके कोर्सेज कर सकते हैं, इवन ऑनलाइन लेक्चर्स भी उनके अटेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है, मैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। मैं पहले एक बार मैं चेक करके बताता हूँ, क्योंकि मेरा फोन है, मैंने लिस्ट बना रखी थी, मैंने थोड़ी बार सर्च करी दोस्तों, आज आपके लिए बैठे बैठे सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ यार, सर जो भी मैं सर्च करता हूँ। तो मैं कहाँ गया, मैंने स्क्रीन शॉट लिया था एक्चुअली, और दिस इज माई स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट
हियर इज सेवन। हाँ दोस्तों, और जिन लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करना है या बॉडी बिल्डिंग के अंदर सर्टिफिकेशन करना है, स्पेशली अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, कि कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर मैं बॉडी बिल्डिंग में सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, या बॉडी बिल्डिंग के अलग से सर्टिफिकेशन आते हैं जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कैसे काम करती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग में न्यूट्रिशन की साइकिल क्या होती है, कार्ब्स लोडिंग आपका हो गया, प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट के मैक्रोस क्या होता है, बल्किंग के लिए, फैट लॉस के लिए, कटिंग फेस के अंदर जाने के लिए, तो ये सारी चीजें बॉडी बिल्डिंग सर्टिफिकेशन आपको बताई जाती है दोस्तों। तो टॉप जो है 4 इंस्टीट्यूट मैंने बॉडी बिल्डिंग के निकाले हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और स्पोर्ट्स साइंस में भी डिग्री आपको प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली आपकी इंटरनेशनल स्पोर्ट साइंस के अंदर, आई मीन इंटरनेशनल स्पोर्ट डिग्री आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप घर बैठे इनसे स्पोर्ट साइंस के अंदर डिग्री ले सकते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले तो ये पर्सनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन करता है जिसका नाम है नेशनल जिम एसोसिएशन। देखिए दोस्तों, नेशनल जिम एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त आपको पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, और इसके सर्टिफिकेशन जो है सिर्फ टोटली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और इनके जितने भी एथलीट्स हैं सारे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर हैं, इनके लेक्चर्स भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर है, इनकी बुक भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ही टोटली होगी कि आप कैसे नेचुरल बॉडी बना सकते हैं। ये लोग स्टेरॉइड्स को और ड्रग्स को बिल्कुल भी ये लोग सलाह नहीं देते लेने के लिए, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रियली अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और इनके जितने भी एथलीट है सारे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं। और इसके बाद जो अकेडमी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जो लोग जानना चाहते थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स में है स्पोर्ट्स अकेडमी, यूनाइटेड स्टेट्स स्पोर्ट्स अकेडमी में बॉडी बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इवन इनका यूनाइटेड स्टेट्स स्पोर्ट्स अकेडमी आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है, आप इंडिया में बैठे बैठे आप वहां से डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं यूएस के थ्रू, आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा, और इसके अलावा जो आपका जो क्या कहते हैं इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, आप यूनाइटेड स्टेट्स स्पोर्ट्स अकेडमी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा, और जितनी मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन बताई है अभी तक मैंने 2 ही बताई है। अभी जब हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स स्पोर्ट्स अकेडमी की, तो ये जो अकेडमी है आपको स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री प्रोवाइड कराती है, एसोसिएट इन बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, आई मीन एसोसिएट्स इन स्पोर्ट्स साइंस एंड बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, ये दोनों तरह की डिग्री ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। और जो तीसरा है दोस्तों, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपको सबको पता ही है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस, IFBB एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉडी बिल्डिंग में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, स्पेशली प्रिपेयर करती है बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स को, और ये लोग फिर सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे बॉडी बनती है, क्या है एनाटमी है, फिजियोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी क्या हो सकती है, मूवमेंट्स क्या होंगे, कैसे कार्ब्स लोडिंग करनी है, तो सारा इसके अंदर आपका आ जाता है IFBB के सर्टिफिकेशन पे। ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, आप घर बैठे अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, बाकी आप पे एग्जाम्स के सबके ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं। दूसरा है दोस्तों, आई मीन जो चौथा जो है वो है ISSA, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन। देखिए ISSA के सर्टिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, और दे आर प्रोवाइडिंग सो मेनी फिटनेस सर्टिफिकेशन, और इस सबसे अच्छी चीज मुझे ये रहती है कि ISSA के एक तरह तरह के इसके पास सर्टिफिकेशन है, और हर चीज के लिए मास्टर फिटनेस सर्टिफिकेशन है, एरोबिक्स फिटनेस सर्टिफिकेशन है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट है, इवन चाइल्ड स्पेशलिस्ट के सर्टिफिकेशन, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन है इसके। अब ISSA जो है इन्होंने इनका बॉडी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन में जो कि पर्टिकुलरली बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करता है, कैसे गेन करना है, मसल कैसे गेन करनी है, फैट लॉस कैसे करना है, साइकिल कैसे करनी है, साइकिल का मतलब स्ट्रेट साइकिल से मतलब दोस्तों पहले बता दूंगा, साइकिल का मतलब है मैं बिल्कुल स्ट्रेट के खिलाफ हूँ पहले मैं बता दूँ, साइकिल्स का मतलब है न्यूट्रिशन साइकिल, आप कैसे सोचते हैं कार्ब्स लोडिंग कैसे होती है, प्रोटीन लोडिंग कैसे आप करनी है, आपको फैट आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है, मैक्रोस की साइकिल क्या होगी आपकी, कैसे कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है, तो सारी चीजें इसके अंदर ये कवर करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों मैंने अभी 4 आपको ऑर्गेनाइजेशन पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम बताया आपको नेशनल जिम एसोसिएशन जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, और ये लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, और सेकंड है यूनाइटेड स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी बॉडी बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, ये लोग स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री भी आपको देते हैं ऑनलाइन डिग्री, घर बैठे आप इंडिया में कर सकते हैं, और इवन ये बॉडी बिल्डिंग में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। और जो थर्ड है मैंने आपको बताया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, तो IFBB एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको करवाती है एडवांस बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस ट्रेनर का, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस आप ये जो है IFBB ये लोग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं स्पेशली बॉडी बिल्डर्स के लिए, एथलीट्स के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि कैसे आप बॉडी बिल्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, या कोई पर्सन है जो बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली
सर्टिफिकेशन लेना चाहता है और अपने क्लाइंट्स को उनको बताना चाहता है कि कैसे आप बॉडी बिल्डर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ISSA इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन बॉडी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, ये तो आपको पता ही दोस्तों, ISSA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इन लोगों ने भी अपना बॉडी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन निकाला हुआ है जो कि स्पेशली बॉडी बिल्डर्स के लिए है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं, मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको इसमें, हालांकि ये सिर्फ इस बॉडी बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में आपको बता दूँ कि लोग सारी चीज़ें कवर करते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो गई, आपकी ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया, आपका स्पेशल पॉपुलेशन हो गया, मतलब आपका मसल्स एनाटमी हो गया, मतलब सारा आपका आ जाएगा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मसल एनाटमी, न्यूट्रिशन, आपका सब कुछ इसमें आ जाता है, साइकिल, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है चार ऑर्गेनाइजेशन की मैंने आपको बात की और इन सब के मैंने बारे में आपको बताया। दोस्तों मुझे लाइव होते हुए अभी 10 मिनट 48 सेकंड अभी हो चुके हैं और अभी तक तो मुझसे कोई जुड़ा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। और फिर दोस्तों दोबारा मुझे मत बोलना कि मैं लाइव नहीं आया, नहीं नहीं आया। अब मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने से करें, दोस्तों मैं अभी लाइव हूँ तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए 5 मिनट से ज़्यादा और लाइव नहीं आ सकता, 5 मिनट में और लाइव आ जाऊँगा आपके लिए। और अभी मैं थोड़ी देर आपके लिए वेट कर सकता हूँ और क्या है क्या नहीं है। और ना दोस्तों दूसरा कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे भी आप एक वीडियो बनाइए। दोस्तों जल्दी मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बात करूँगी हम सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, नेचुरल कैसे आप बॉडी बना सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से। तो ये कुछ टॉपिक है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ एक दो दिन के अंदर, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे पास मैसेज किसी का नहीं आया है, कोई भी मुझसे अभी जुड़ा नहीं है, आई डोंट नो सब दोस्त कहाँ गए। सिद्धार्थ, ऑन द बेसिस ऑफ जीएमए सर्टिफिकेशन व्हाट वी कैन डू जॉब इन दुबई। अब पहले जो है सिद्धांत फिटनेस से उसने मुझसे क्वेश्चन किया है। और हाँ सिद्धांत यार, किसी को भी मैं बता दूं यार, अगर दुबई के अंदर या सिंगापुर में कोई जॉब अगर मुझे, मेरे पास पड़ी है, अभी भी जॉब्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, मेरे पास आती रहती हैं, मुझे पता है वहाँ के लिंक्स क्या हैं उनके, और वापिस अगर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आएगी तो मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा, मैंने आपसे वादा किया हुआ है, पर मैं संडे को ही जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ईमेल करूंगा, कोई भी अगर पसंद आने की जॉब सिंगापुर या दुबई में निकलती है तो। और दोस्तों यार यूएसए के लिए मत बोलना, मुझे यूएसए में आपको जॉब चाहिए। तो सिद्धांत आपका क्या क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ GW यार एक ग्रूमान फिटनेस एसोसिएशन है सर्टिफिकेशन, वी कैन डू जॉब इन। Absolutely right, सिद्धांत आप बिल्कुल, आप लेवल वन के थ्रू आप दुबई में जॉब पा सकते हैं। पर दोस्तों ये जो सर्टिफिकेशन है ना सिद्धांत यार, ये है लेवल वन सर्टिफिकेशन। अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं और सैलरी आप चाहते हैं एटलीस्ट 4,000 dirham मिनिमम सैलरी है फिटनेस ट्रस्ट में या गोल्ड जिम में आप चाहते हैं, तो आपको लेवल थ्री का सर्टिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। लेवल थ्री का सर्टिफिकेशन कौन सा है, एक तो है आपका अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ए सर्टिफिकेशन जो कि REPA से रजिस्टर्ड एक्सरसाइज फिटनेस प्रोफेशनल। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्टर्ड एक्सरसाइज प्रोफेशनल से जो फिटनेस सर्टिफिकेट, आई मीन फिटनेस सर्टिफिकेशन जो एफिलिएटेड हैं वो दुबई में सकता है, क्योंकि दुबई REPA के सर्टिफिकेशंस को मानता है, बाकी कोई सर्टिफिकेशन को नहीं मानता है। तो क्योंकि पर ये GMFA है, ये भी REPA सर्टिफाइड है, तो ये सर्टिफिकेशन दुबई में चलेगा, आई मीन दौड़ेगा दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप अपने साथ, इससे आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी अच्छी हो जाएगी ग्रूमन के सर्टिफिकेशन, क्योंकि ग्रूमन बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद आपको एक अच्छा सर्टिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। इवन गुरुमन ने भी यार NSCA और ACSM के सर्टिफिकेशन कर रखे हैं कि विदाउट इसके वो भी इतनी अच्छी नॉलेज आपको नहीं दे पाते, और उनके पास डिग्री भी है एक्सरसाइज साइंस में, शायद वो मुझे नहीं पता कौन सी है क्योंकि मैं इतना नहीं सुनता हूँ, कि मैंने उनके वीडियो थोड़े बहुत ही देखे हैं, ज्यादा देखे, पर मेरे फ्रेंड्स और बताते हैं कि वाकई बहुत अच्छे हैं उनके वीडियो। और तो इसके लिए मैं आपको बता रहा था कि अगर आप अमेरिकन काउंसिल एक्सरसाइज विद कॉम्बिनेशन ऑफ GMFA आप करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके सर्टिफिकेशन REPA से रजिस्टर्ड है और इस सर्टिफिकेशन भी REPA से रजिस्टर्ड है, तो आपकी बेसिक सैलरी है वो दुबई में 4,000 dirham मिनिमम होगी। और 4,000 dirham का मतलब हो गया, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज भी यार, अगर आप इतना ही पूछ रहे हैं मुझसे, तो सिद्धांत 4,000 dirham का मतलब हो गया आपकी सैलरी हो जाएगी 4,000 dirham इंटू, अब आई थिंक एक दिन 18 रुपए का चल रहा है, अगर 72,000 आपकी होगी बेसिक सैलरी, और पर सेशन का आपको मिलता है 80 dirham। और मैं बता दूं स्टार्टिंग है 4-5 सेशन हो सकता है आपकी डिडक्ट हो जाए, उसके बाद आपको मिलेगा। तो एक मिनिमम एक इटालियन ट्रेनर था वहाँ पे मेरे, जब मैं दुबई में था, तो दोस्तों मैं बता दूं सिद्धांत आपको, उसकी जो बेसिक सैलरी थी ना वो थी करीब 72,000। ऐसा कुछ भी नहीं कि इंडिया वालों की ज्यादा है, अंग्रेजों की कम, इंडिया वालों की कम है और जो फॉरनर्स हैं उनकी ज्यादा है। वैसे भी आप वहाँ जाओगे तो आपको इटालियन मिलेंगे, रोमानियन ज्यादा मिलेंगे जो बहुत ज्यादा बकबक करते हैं, और आपको पाकिस्तानी काफी मिलेंगे, इवन मोरक्कन भी आपको मिल जाएंगे, जो जुम्बा स्ट्रक्टर है, कोई अरबिक स्ट्रक्टर है वगैरह वगैरह।
फ्रेंड तो सिद्धांत आपकी सैलरी होगी 4000 दिरहम अगर आप ये सर्टिफाइड है तो लेवल 3 के अंदर, और क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन आप GMFA की बात जो कर रहे हैं ये है लेवल 1 का सर्टिफिकेशन। और इसके अलावा 4000 अगर आपके दिरहम की सैलरी है मतलब 72000 आपकी बेसिक सैलरी है, 72000 के अंदर 72000 में से आपका अकोमोडेशन का माइनस कर लो 18000 रुपया, मतलब आपकी बेसिक सैलरी हुई 54000। हाँ देखो यार GMFA के बारे में मुझे इतना नहीं पता है प्रसन्न, हाँ मैंने कुछ मैंने उनकी वेबसाइट देखी थी। अगर GMFA का लेवल 4 सर्टिफिकेशन है तो आप सिद्धांत जरूर करें, अगर आप इसके चारों सर्टिफिकेशन करते हैं अगर लेवल 4 के तक है, अगर लेवल 3 तक करेंगे तो चलेगा यार, लेवल 4 तक करने की जरूरत नहीं, इतनी फालतू मेहनत करने सारे सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, लेवल 3 तक आप कर लीजिए, लेवल 3 का मेन सर्टिफिकेशन, लेवल 1 के बाद लेवल 2 फिर लेवल 3 पे आप जा सकते हैं इजीली। तो आप उस सर्टिफिकेशन करते हो तो हाँ श्योर आई एम डैम श्योर कि आप दुबई में आपकी जॉब लग जाएगी। बट द थिंग इज सिद्धांत यार जो अमेरिकन कॉन्सर्न एक्साइज है यार ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यार, इसका सर्टिफिकेशन लेने से यार आपके ऊपर क्या है एक ट्रस्ट बन जाता है, विश्वास बन जाता है। मैं तो आपको यू कहूंगा यू मस्ट डू ए सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन। हाँ अगर आप इसके थ्रू भी अगर आपका दुबई में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये सर्टिफिकेशन दुबई में काम करता है मैं आपको बता दूं, अगर लेवल 3 या लेवल 4 में अगर GMFA से आप कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ये सर्टिफिकेशन आपका वर्क करेगा बिकॉज इट इज REPA सर्टिफाइड, इवन सिर्फ दुबई के अंदर ही वर्क करेगा, बाकी किसी की जगह का मैं नहीं कह सकता कि काम करेगा नहीं, पर एज तो मस्ट है ही है, अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज और रास्ते आपको खुलते हैं वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई दूसरे क्लब में वहाँ पे जॉब करनी है तो वो एज का ही मांगेंगे, GMFA वो नहीं जानते इतना। और कुछ पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं सिद्धांत आप, एनीथिंग एल्स? सो ये है यार फ्रेंड, आना सिद्धांत यार और कुछ मुझसे पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं बता दूँ हमें 16:49 हो गए हैं मुझे अभी लाइव, और अभी तक आई थिंक से 3 लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो, पर मैसेजेस जो हैं मेरे पास सिर्फ 2 ही लोगों के आए हैं, और इसके अलावा मैंने कुछ अपनी वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग में, काफ़ी कुछ मैंने बताया था, और जो जिन लोगों ने स्टार्टिंग से मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें स्टार्टिंग से सुने, तो उनको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी एक्सरसाइज साइंस के कोर्सेज के बारे में। फिटनेस फंडा सर आपने दुबई में कहाँ जॉब की थी? ये इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है यार दोस्तों, मैं बताता हूँ मैं फिटनेस फर्स्ट में था और मैंने सिर्फ 4 महीने ही दुबई में वर्क किया था, क्योंकि मैं जब मैं था तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा हुआ था, तो बेटा होने की वजह से यार क्योंकि अपने इंडियन है थोड़े इमोशनल थोड़े बेवकूफ़ होते हैं हम लोग, मेरा मन नहीं लगा दुबई के अंदर बिल्कुल भी, मैं वापस आ गया शेख जायद रोड में फिटनेस फर्स्ट में मैं काम करता था, और जो मेरा अकोमोडेशन था वो था अल खेल रोड के ऊपर जो कि मुझे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, और मेरा वीज़ा 6 महीने के अंदर मेरा वीज़ा आया था जब मैंने अप्लाई किया था, और मेरा इंटरव्यू जो है दुबई के लिए वो स्काइप के ऊपर हुआ था, स्काइप फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, मैनेजर के साथ आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपका 1 फेस में अगर आप इंटरव्यू अपना कंप्लीट कर लेते हैं अच्छा आपका इंटरव्यू होता है तो आपका दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट वो नहीं करेगी कंपनी, उसके बाद आपको 6 महीने अपने घर बैठ के अपने वीज़ा का इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये चीज है फिटनेस फंडा नाम से, क्या नाम है यार आपका नाम नहीं मुझे पता, फिटनेस फंडा तो है ये एक्चुअली, चलो जो भी है, तो बस यही मैं था दोस्तों, और तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अब आप कुछ लोग मुझसे पूछना था मुझसे पूछ सकते हैं, सो एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी अगर आप मुझसे पूछना चाहे तो। सिद्धांत फॉर एज वी नीड टू 12th पास, हाँ सिद्धांत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12th पास यार इजीली एज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बैचलर डिग्री या उसको चाहिए, क्योंकि यार ये फिटनेस सर्टिफिकेशन आपका इंटरेस्ट आपका होना चाहिए एक्सरसाइज साइंस के अंदर, आपको अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप एज सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेंगे, हो सकता है ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने पर आप फेल हो जाएं, पर यार फेल होके सीखना जरूरी है, क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम जब एज दिया था तो यार मैं भी फेल हो गया था, मैं भी कोई बहुत बड़ा कोई एक्सरसाइज साइंटिस्ट नहीं हूँ, सिंपल से बताऊँ कि एस में फेल होने के बाद ही मैंने दोबारा ACSM किया, मैंने डिप्लोमा स्पोर्ट्स साइंस किया, मैंने कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज मैंने कर रखे हैं 4-5 सर्टिफिकेशन बहुत से पढ़े हैं मेरे पास के बाद मैंने बहुत से किए, क्योंकि यार क्या अभी मेरी 34 एज है, क्योंकि जब व्हेन आई वाज यंग मैं बहुत यंग था, जब मेरी एज 22 थी तो मैंने बहुत सर्टिफिकेशन किए थे, क्योंकि यार यंग एज में आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, आफ्टर 34 के बाद इतना मन नहीं करता करने का यार, सही बताऊँ मैं आपको। फिटनेस फंडा यस फिटनेस फंडा मैंने स्पोर्ट्स साइंस में डिप्लोमा में किया और सर्टिफिकेशन किया है मेरा ACSM में न्यूट्रिशन वेट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, जो कि 3 मंथ्स का कोर्स मैंने किया था और स्पोर्ट न्यूट्रिशन में मैंने किया है, इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज साइंस डाइटिक्स और न्यूट्रिशन में मेरे पास 3 साल की डिग्री है, और मैं एज अ गोल्ड जिम के अंदर एज अ डाइटिशियन वर्क करता हूँ, और वहाँ पे काफ़ी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ, आई थिंक मैंने आज तक
5 से 6 हज़ार लोगों के आई थिंक डाइट प्लान बनाए होंगे, जो कि मुझे भी याद नहीं है। और मैं इतने कैलकुलेशन करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग मेरे पास रोज आते हैं, मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे आप लोगों से मुझे सीखने को भी मिलता है, और मुझे मेरी नॉलेज भी बढ़ती रहती है। तो ये है फिटनेस संडे। और कुछ तो और कुछ पूछना चाहेंगे? कोई भी मुझसे पूछना है मुझसे पूछ सकता है। अभी हमें 20 मिनट्स हो गए। और यार ये दोस्तों, यार मुझे आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ कुछ भी रहता है, तो मैं लाइव आ जाता हूँ, आप लोगों से मैं बात करता हूँ, अपनी चीजें शेयर करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली ऑल लव यू गाइज। यार और कुछ मुझसे पूछना है पूछ सकते हैं यार। और दोस्तों यार अभी पता है, कुछ दिन पहले मैंने अपने फार्म हाउस का एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। मैं मेरा फ्रेंड हम लोग फार्म हाउस गए थे, मेरा खुद का पर्सनल फार्म हाउस है, जहाँ पे हमने आई थिंक 6 बीघा के अंदर वो जमीन होगी, और उसमें कम से कम इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो फार्म हाउस इंडिया नाम से प्रैंक आएगा, एक वीडियो है जो कि मेरा व्लॉग है, उस फार्म हाउस वाले वीडियो को जरूर देखें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियो यार। इस 12 डिग्री कंपल्सरी फॉर इस सिद्धांत यार, 12वीं पास तो करना जरूरी है यार आज के जमाने में। यार बिना 12वीं पास तो कुछ नहीं होगा बॉस, कि 12th के पास के बिना यार आप इस सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल जो सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी में सर्टिफिकेशन नहीं होने वाला। और आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, टिक मार्क ABCD होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और आपको सोचने का टाइम बहुत होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बहुत टिपिकल होंगे, और इसीलिए सिर्फ केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक टेनिस प्लेयर हैं, आप टेनिस की एक्सरसाइज आप करते हैं रेगुलर, तो आपके अगर आपके रोटेटर कफ में इंजरी है, तो आप उसको हील करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज और मूवमेंट आप उसको देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं यार। सर आपकी वीडियोस BHT इंफॉर्मेटिव है, थैंक यू, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। हाँ थैंक यू यार, फिटनेस फंडा यार, आप हमें वीडियोस को शेयर भी करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ ज्यादा से लोग हमारी चीजों को जाने करें, जो कि फिटनेस के अंदर, क्योंकि यार फिटनेस एक बहुत, मतलब इंडिया के अंदर तो बहुत छोटी फील्ड है यार, लोग बहुत पसंद करते हैं पर यार फिटनेस को, जो फिटनेस जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, लोगों ने इसको पता नहीं इसको क्या बना दिया है, क्या कर देते हैं, मुझे समझ भी नहीं आता। हालांकि बहुत अच्छी फिटनेस इंडस्ट्री है, अगर आप जॉब करना चाहें तो उसके अंदर। और कुछ एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी, अगर कोई मुझसे पूछना था। अभी मुझको हो गए हैं 22 मिनट। और दोस्तों यार मेरा जो फार्म हाउस प्रैंक वाला वीडियो है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया अपने दोस्तों के साथ, तो उसको जरूर देखें। मेरे मेरे वीडियोस पे जाएं, चैनल में जाके सर्च, आई मीन जब मेरे आप वीडियोस जाएंगे तो मेरे सारे वीडियोस आएंगे, उसमें फार्म हाउस प्रैंक के नाम से एक वीडियो है, तो उसे आप जरूर देखें, वो वीडियो बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी है, थोड़ी मस्ती भी है। सर आपके वीडियोज बहुत, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। और कुछ सर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस फिटनेस करियर में? ये बहुत अच्छा इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा। सर आपको कितने साल हो गए फिटनेस में? यार मुझको हो गए 5 साल, मैं बताऊँ बिल्कुल फ्रेंकली बता देता हूँ। 3 साल ऐसा ट्रेडिशन वर्क किया है, 1 साल मैं पर्सनल ट्रेनर भी मैंने काम किया है, जब मैंने बॉडी बनाई थी बहुत साल पहले, व्हेन आई वाज 25 मैंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली थी, क्योंकि मैं टिपिकल एक्टोमॉर्फ हूँ, मैं बहुत दुबला पतला हूँ, और एक्टोमॉर्फ को मसल्स गेन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ईटिंग भी बहुत अच्छी होती है, हर 3-3 घंटे में खाना, बॉडी को एनाबॉलिज्म में रखना, कैटाबॉलिज्म में नहीं जाने देना, और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स को सिर्फ 15-20% लेना पसंद करता हूँ, बाकी नेचुरल में ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि नेचुरल बॉडी ही नेचुरल सप्लीमेंट्स और ये सभी आपकी बॉडी बनाने में वर्क करते हैं। अभी यार मुझे भी 3 साल हो गए कि मैं बिल्कुल भी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को बीच में इंजरी हो गई थी, इवन मुझे रोटेटर कफ में भी इंजरी हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसके कारण, बट अब मेरा ठीक है, तो अभी जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज, थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद मैं स्टार्ट करूँ, या नेक्स्ट ईयर से सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट करने की। तो माय एज इज 24, पहले डिग्री करूँ या सर्टिफिकेट? फिटनेस फंडा, पहले आपको सर्टिफिकेट करना चाहिए, पहले आप बेसिक नॉलेज लो यार, एक्सरसाइज साइंस है क्या, स्पोर्ट्स साइंस है क्या, कैसे काम करती है, सबसे पहले बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि FITT क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है अभी यहाँ पे, अभी जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, FITT का मतलब मुझे कोई मुझे बता दीजिए, FITT क्या है, बता सकता है कोई? Anyone can ask me, बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FITT, बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा अगर अगर आप कोई मुझे बता सकता है तो। अभी देखो अभी तक तो मेरे पास कोई आंसर नहीं आया है, पहले डिग्री करूँ या सर्टिफिकेट? और सर अगर मैंने बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और मुझे फिटनेस एंड कैरियर बनाना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ?
यार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपको, करियर फिटनेस तो बहुत डिफरेंट चीज हो गई है। इंजीनियरिंग एक टेक्नोलॉजी फील्ड हो गई है, और आप फिटनेस की बात करें, फिटनेस एक यार स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसमें आपके चीजें हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट आप सकते हो, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, किनियोलॉजी है, और ह्यूमन न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन है। तो बहुत सी बहुत बहुत वास्ट फील्ड है यार, ये वाइड फील्ड है। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत डिफरेंट है। अगर आपका इंजीनियरिंग मन नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ो यार, आप फिटनेस इंडस्ट्री में आ सकते हो, कोई मना नहीं है, बट आपको बहुत सोच समझ के आना है कि आपको आना ही नहीं आना। सर नहीं सर, आप समझा दो। ये देखो आप मुझसे फिटनेस फंडा पूछ रहे हैं यार, बहुत ईजी है फिटनेस फंडा। मैं आपको बताता हूँ FITT क्या है, फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी टाइम एंड टाइप। फ्रिक्वेंसी का मतलब आप कितने दिन वर्कआउट करते हैं, टाइम आप कितनी देर अपने जिम में टाइम स्पेंड करते हैं, इंटेंसिटी आपका इंटेंसिटी लेवल कहता है हाई है या लो है जब आप स्ट्रेंथ या कार्डियो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, और टाइप टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, मतलब आप स्ट्रेंथ का वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या बाइसेप्स कर रहे हैं या इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं या सर्किट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। तो इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी टाइम एंड टाइप का मतलब ये होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, बेसिक सर्टिफिकेशन समझो, उसको पढ़ो तो आपको मजा आएगा और आपको सीखने को बहुत मिलेगा। डेट ए से इस पे कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल भर थोड़ा आप एक्सरसाइज साइंस को पढ़ो करो। मैंने भी यही किया था, मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ, मैंने भी बेसिक से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे काफी नॉलेज हो जाती है इंटरेस्ट के साथ। तो बहुत ईजी है, आप स्टार्ट से तरीके से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो और कुछ कोई मुझसे पूछना तो मुझसे पूछ सकता है। एक मेरा सब्सक्राइबर था, मुझसे पूछ रहा था यार, वो अभी तक आया नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ गया वो, आई डोंट नो वेयर ही इज। तो दोस्तों मुझे अभी 26 मिनट 29 सेकंड हो चुके हैं लाइव होते हुए, और अभी तक आए, आई होप मैंने आप लोगों के सारे आंसर्स कर दिए होंगे। और हाँ दोस्तों यार, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे यार कि अमेरिकन कौंसिल एक्साइज की फीस कितनी है। मैं आपको बता देता हूँ यार, बिल्कुल एक्यूरेट मैंने देख रहा था, क्योंकि यार अभी क्या डॉलर की रेट जो है चेंज हो गई है। पहले जब डॉलर था वो था $62 का या 60-61 डॉलर का था, अभी जो डॉलर की रेट है वो है $74। तो अगर आप और एस की एग्जाम एग्जाम आप अमेरिकन एस का एग्जाम एग्जाम आप देना चाहते हैं, आप बुक्स भी नहीं खरीदना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ डायरेक्टली एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसकी फीस है 30,000। और एग्जाम आपका पेपर पेंसिल के थ्रू नहीं होगा, एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। उसके सेंटर्स आपके जयपुर में, क्योंकि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, बॉम्बे दिल्ली कहीं हर जगह अवेलेबल है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इसको करने के लिए क्लासिक फिटनेस अकेडमी या BFI से आप लिंक कर सकते हैं, आई मीन इनके थ्रू अपना कोर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका $550 का मतलब हो गया, इनटू मैं अगर करता हूँ 74, मतलब 40,700 रुपये है टोटल, मतलब आपके करीब 48,000 से लेके 56,000 के बीच में आपका खर्चा होने वाला है अगर आप इसके सर्टिफिकेशन करते हैं विद क्लासेस के साथ में। और पेट्रोल खर्चा हो सकता है लोगों अगर क्लासेस दूर है तो यार। उसके अलावा मुझे बस इतना ही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आई मीन तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों और हाँ यार, अगर आप फिटनेस फील्ड में आना चाह रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई भी है, मतलब यार अब जो भी है आप लोग हैं, पीछे का आपका जो भी बैकग्राउंड है, तो यार थोड़ा सोच समझ के आना यार, अगर आपकी फील्ड आप इससे जुड़ना चाहते हैं। अगर आपकी एज कम है तो आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है, आपकी कोई फील्ड है तो उसे छोड़ के एकदम से इसमें बताइए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यार और भी चीज़ों का ख्याल रखना होता है बहुत चीज़ों का। सर पर्सनल ट्रेनिंग में इंडिया में कैसा स्कोप है? फिटनेस फंडा सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप कौन सी, सॉरी से यार, कौन सी सिटी में आप रहते हैं, इन विच सिटी यू आर लिविंग? फिटनेस फंडा आप मुझे बताएंगे आप कौन सी सिटी में अभी आप रह रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार आपका स्कोप क्या है और क्या क्या है अभी। मतलब मुझे पहले ये तो बताओ आप, तो मैं आपको, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो अगर आप जयपुर में हैं तो मिनिमम आपका बेसिक सैलरी है कुछ 15,000 प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा इसके अलावा अगर आप दिल्ली में हैं, सर्टिफाइड हैं, तो आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी 20-20,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी, प्लस इंसेंटिव आपका महीने का आप 40-50,000 रुपये इजिली कमा सकते हैं एज अ पर्सनल ट्रेनर। और इसके अलावा कुछ अहमदाबाद, अहमदाबाद में आई थिंक हो सकता है आपका ऑप्शन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग, अगर वहाँ पे अच्छे अच्छे क्लब्स हैं जैसे स्नैप फिटनेस है, फिटनेस फर्स्ट है, फिटनेस सच में अप्लाई करें या गोल्ड जिम अप्लाई कर सकते हैं, या इवन एनी टाइम फिटनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं अहमदाबाद के अंदर। फिटनेस फंडा K11 कैसा ऑप्शन है? K11 यार ये K11 वैसे ऑप्शन तो ठीक है आपके लिए, बट यार K11 आई थिंक REPS से रजिस्टर्ड नहीं है इसके सर्टिफिकेशन, ये इंटरनेशनली वर्क नहीं करता, ये सिर्फ इंडिया में ही वर्क करेगा। और इवन जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ वहाँ पे काफ़ी ट्रेनर जो है K11 सर्टिफाइड है,
नॉलेज अच्छी है, पर यार वो लोग साइकिल या स्टूडेंट साइकिल के बारे में ज्यादा बात करते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सा सर्टिफिकेशन लेकर आए हैं लोग, पर मैं तो आपको राय नहीं दूंगा। इससे अच्छा तो आप है ना ग्रूमन का जो फिटनेस सर्टिफिकेशन है जो उन्होंने भी निकाला है लेवल वन का, वो REP से रजिस्टर्ड है, उसका सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। तो आप ग्रूमन का फिटनेस सर्टिफिकेशन आप इजिली कर सकते हैं, जो कि लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री तीनों में सर्टिफिकेशन है। अगर आप K11 पे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप ग्रूमन का सर्टिफिकेट लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। और ब्रो आई एम 26, आई एम ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट, आई हैव टेकन एडमिशन इन NASM सर्टिफिकेशन विदाउट एनी रिसर्च, सजेस्ट मी हाउ टू सेट माय करियर। यार मुनस, सबसे पहली बात है, अगर अगर आपने इफ समहाउ इफ यू क्लियर द NASM एग्जाम, अगर आपने नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया है मनुष्य, तो सबसे पहली चीज तो है आपकी जॉब लगना 100% श्योरिटी है। आपकी जॉब जो है 100% लगेगी। आपकी बेसिक सैलरी अगर दिल्ली में या बॉम्बे में है आप, तो आपको बहुत अच्छे क्लाइंट मिलने वाले हैं। इवन आप अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है कि आप फिटनेस मैनेजर बन जाओ। और नेशनल अकेडमी के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो कि मैं दूसरे मेरे वीडियो में बताऊंगा, जिन्होंने NASM सर्टिफिकेशन किया है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, जो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, मैं थोड़े बाद में आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें यार मेरे को भी राज रखने दो, वो पर मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाला हूँ। जिन्होंने NASM सर्टिफिकेशन किया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, खाली मुनिस के लिए, अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो। मैं मुनिस, मैं वो वीडियो जो मैं आपको संडे को मैं आपको बात करूंगा, एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा जो कि इंडिया में बैठे बैठे आपको डिग्री प्रोवाइड करती है। यार मेरी फिटनेस फंडा, मेरी न्यूट्रिशन सबसे, मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी न्यूट्रिशन है, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स साइंस है, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स साइंस में भी मैंने किया हुआ है और न्यूट्रिशन वेट मैनेजमेंट है मेरा, स्पोर्ट न्यूट्रिशन में भी मैंने किया हुआ है। इवन मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हूँ SESM, और इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स साइंस में डिप्लोमा भी किया हुआ है जो कि 1 ईयर डिप्लोमा है। ये सब मैंने किया हुआ है, जो कि मैंने आई मीन ऑनलाइन एंड इंटरनेशनल लिया हुआ है बाहर का, तो ये सब मैंने किए हुए हैं। मुनिस, आई डोंट हैव नॉलेज इन फिटनेस, आई डोंट हैव गुड सर, पर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NASM। मुनिस, अगर आप NASM के लिए प्रिपेयर करें तो मिनिमम आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे रोज आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपके आपका बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप NASM नहीं क्लियर कर पाएंगे। बट ये है कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँ किसी अच्छे से फिजियो के पास जाइए, वो आपको क्लास अटेंड कराएगा और आपको नॉलेज देगा, फिटनेस की बेसिक नॉलेज आपको अच्छी हो जाएगी, तो आप NASM क्लियर कर लीजिए। NASM क्लियर करते ही आपका सबसे अच्छी, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, इवन दुबई में भी आप कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी फिटनेस सर्टिफिकेशन वर्क करता है। और IAST पुणे स्टैंड लर्निंग कोर्स के बारे में कुछ बताइए सर। IAST से अच्छा कोर्स है यार, मैंने भी इसका स्पोर्ट्स एंड डिप्लोमा किया हुआ है, दे आर गुड, दे आर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज है, बट यार वो इंडिया में ही है। उनका एक चीज है, उनके USA से कुछ सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड भी है जो कि बहुत अच्छे, जैसे जगह पे आप होटल मैनेजमेंट में मैनेजर पोस्ट पे हैं या कुछ भी है, असिस्टेंट मैनेजर है या जो भी आप हो सकते हैं वहाँ पे, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या पोस्ट होती है होटल मैनेजमेंट। तो मैं तो आपको होटल मैनेजमेंट और फिटनेस ट्रेनर दोनों ज्यादा बेटर, तो मैं फिटनेस फील्ड को ही कहूँगा होटल मैनेजमेंट से, क्योंकि इसके बारे में मैं कंपेरिजन करके नहीं बता सकता, क्योंकि जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं तो आपको ज्यादा इसके बारे में पता होगा। सॉरी टू से मुनिस, आई डोंट नो अबाउट इट। और दोस्तों यार मेरी वाइफ का फोन आ रहा है, आई थिंक मुझे वो बुलाने वाली है, और जल्दी ही वो बुलाने वाली है, तो दोस्तों मुझे आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा। और मुनिस कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है यार, एक दिन ठंडे दिमाग से बैठ के डिसीजन लो आपको क्या करना है, जहां पे आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसी करो, वहीं आप ज्यादा करियर आपका आगे बढ़ेगा, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वहां करियर आपका आगे बढ़ेगा। पर ध्यान रखना कि इंटरेस्ट हमेशा इंसान में चेंज हो जाते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो आगे तक रहना जरूरी है, अगर बाद में चेंज हो गया तो फिर आप डगमगा जाओगे। दोस्तों बस इतना ही मैं आज आप लोगों से बातें शेयर करना चाहता था, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, दिस इज विकास, हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को, और दोस्तों मेरा जो फार्मास वाला प्रैंक वीडियो है वो आप जरूर देखें, थैंक्स लव योर वीडियोस, ओके मुनिस। और इसके अलावा एक चीज दोस्तों मुनिस, मैं स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके आप NASM का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आने वाला हूँ, जो कि बताऊंगा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशली मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो मुनिस उस वीडियो से आपको फायदा होगा कि आप घर बैठे बैचलर ऑफ एक्सरसाइज साइंस के अंदर डिग्री ले सकते हैं, आई मीन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस के अंदर, जिससे आपका करियर में बहुत अच्छी उछाल आने वाली है, आई मीन बहुत आगे तक आप जा सकते हैं उस करियर उस फील्ड के थ्रू। तो मुनिस उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि यार मुनिस होटल मैनेजमेंट तो मुझे नहीं पता, पर फिटनेस फील्ड में आप जाते हैं तो आप फिटनेस के अंदर आप जैसे आप स्पोर्ट टीम के कोच बन सकते हैं, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट आप बन सकते हैं, इंजरी रिहेबिलिटेशन इंजरी में रिहैब जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आप कर सकते हो, क्रिकेट टीम की भी आप मैनेज कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आ सकते हो, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली हुई हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी है। सो
फंडा टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड नॉलेज. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और सारे जितने मेरे दोस्त हैं सब जुड़े हैं उससे, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ. थैंक यू सो मच वंस अगेन. तो बाय दोस्तों, सी यू एंड टेक केयर.